तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, बिहार टीचर एग्जाम 2023 का जो है सेंटर लिस्ट एंड एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इसका एडमिट कार्ड है। आपको इसी के बारे में बताएं कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है BPSC एंड बिहार का, बिहार टीचर एग्जाम 2023 का, तो आप वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना। जब भी आपको पता चल पाएगा आप बिहार टीचर्स एग्जाम 2023 का कैसे आप सेंटर लिस्ट देखेंगे और अपना कैसे आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना सभी बिहार कैंडिडेट के पास, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, और बाहर राज्य वालों के भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो इस वीडियो को काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, जो है एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर के बारे में। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आप जो है अपना एडमिट कार्ड एंड एग्जाम सेंटर कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, एक ये लिस्ट जारी करी गई है आपकी, जहाँ पे भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है कितने अलाटमेंट किए गए हैं कॉलेज और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आ जाएंगे, आने बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का, नीचे आएंगे आपको लिखना बिहार पी स्कूल टीचर TGT PGT प्राइमरी एडमिट कार्ड 2023, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद अगला वेबसाइट ओपन हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपये फीस रखी गई थी अगर आप जनरल OBC अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई किए थे। अगर आप SC ST से BPH से थे तो यहाँ पे आपको ओनली 200 रुपये का चार्ज आपको लगा था। बिहार जो SC ST PH वालों के लिए था। और दोस्तों, बात करें फीमेल कैंडिडेट बिहार के वालों के लिए, तो 200 रुपये आपकी चार्ज लगा था, जो फीमेल थी मतलब कि जो बिहार के रहने वाले थे उनके 200 रुपये चार्ज लगा था। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर उसकी फॉर्म स्टार्ट की, तो 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे 15 जून से, और लास्ट डेट इसकी 19 जुलाई रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, 24 से 27 के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट दिखा रहा है। 10 तारीख से आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। नीचे आना है, नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको क्या करना है क्लिक एयर लिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का जो है आ जाता है सामने इंटरफेस। अब दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद पासवर्ड। एप्लीकेशन नंबर आपके प्रिंट आउट में होगा या आपके जो मैसेज आया होगा उसमें होगा, और पासवर्ड भी आपको डालना है। पासवर्ड ही आपको उस टाइम का डालना है जब अपने फॉर्म भरते टाइम में आपको मिला होगा, और आपको ये वाला कैप्चर यहाँ पर डालना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर के बारे में समझ लीजिए। एग्ज़ाम सेंटर आपका यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं आप एग्ज़ाम टाइम टेबल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिन टाइम दे रखा है, और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम टाइम है, सब्जेक्ट है, और कोड सेंटर कोड है आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 24 तारीख में 3:30 बजे से 5:30 बजे तक है। सब्जेक्ट आपका जनरल स्टडीज है। 25 तारीख में आपका क्वालिफाई पेपर लैंग्वेज का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन आपका जो है यहाँ पे पेपर होने वाला है। एडमिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा, आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, ये वाला डाउनलोड यहाँ पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर लिख रहा है वाइट एडमिट कार्ड डाउनलोड, तो दोस्तों आपको इसी पर क्लिक कर देना है PDF में। और PDF में क्लिक करने बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपको ये इंटरफेस यहाँ पर डालना है और यहाँ पर टिक कर देना है मैंने पढ़ लिया है और उक्त निर्देश से सहमत हो, ये मैंने पढ़ लिया है, ये आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपके सामने जो है इस तरह का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पापा का नाम, सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपको ले जाना क्या है वो आप समझ लीजिए।
अपने ई प्रवेश पत्र सदैव रखे, ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखे तथा निम्न गए आवश्यक निर्देश आवश्यक अनुपालन करें। तो आपको ये जो निर्देश दे रखे हैं नीचे हिंदी है पढ़ने के लिए, इसे आप जरूर पढ़े। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व बिफोर पहुँच जाए, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा परीक्षा अवधि को समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पक्ष विस्तृत के पास जमा ही क्यों ना कर दिया हो। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, आपको एग्ज़ाम मतलब कि स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा पहले पहुंचना है, और जब आपका जैसे मान लिया आपने एग्ज़ाम पहले कर दिया और आपने जो है सीट मतलब कि वो भी पकड़ा दिया अपने बुकलेट जो भी होती है, और आप कह रहे हो कि सर मैं जा रहा हूँ, तो ऐसे ही इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो देख सकते हैं ना, चाहे उसने उत्तर पक्ष वृक्ष के पास जमा कर दिया हो, कहने मतलब ये है क्या आपने जमा कर दिया हो मास्टर मतलब कि टीचर के पास, पर उसमें ना जब भी आपको जाने देंगे, जब आपको जो है पेपर जो है जिस टाइम आपका पेपर टाइम है उस टाइम आपका छूटेगा, उसी टाइम आपको जाने देगा, उससे पहले आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें अपने निर्धारित स्थान पर बैठे पुस्तिका उत्तर पत्र का अंकित निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन आग्रह से पालन करें। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए ये आपने कह रखा है, 1 घंटा पहले पहुँचना है और जब आपका एग्जाम छूटेगा उसके टाइम ही आपको यहाँ पर छोड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है उत्तर पत्र ओमार सीट में निर्देश स्थान अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 वाले वर्ग को रोल नंबर लिखेंगे, किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे, निर्यात स्थान पर ही अपना नाम अनुभव के रोल नंबर अंक में गोला की रंग नहीं रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे पढ़ लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है, तो यहाँ पे टाइमिंग भी आपके पास काफ़ी है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं सारा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फ़ोटो ले जाना है, आईडी ले जाना है और अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड आपको 2 ले जाना है, कभी एक आपका खो गया तो दूसरा तो आपको काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने 2 एडमिट आप साथ जरूर ले जाए और एक आईडी आप ले जाए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करती भाई हो, जो आपने फॉर्म भरते टाइम जो भरा था वही आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म भरते भाई जो था वही आपकी इस फार्म में रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप तो दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जब आपके एग्ज़ाम डेट है उससे 1 घंटा पहले यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाइए। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो आईडी प्रूफ और अपना 2 एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, और बाकी आप पढ़ लेना, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, इस एडमिट कार्ड के साथ में इसे ज़रूर निकलवाए और इसे पढ़ने के बाद ही आप जो है एग्ज़ाम देने जाए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी आपको, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी एजुकेशन से रिकॉर्डिंग पाने के लिए वीडियो को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है और चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी जो भी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखे हैं। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, जो मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, और भी अच्छे अच्छी एजुकेशन से रिकॉर्डिंग वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत। दोस्तों कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।